Hello students, in this video we will continue further with periodic properties. So in the previous video we had looked at what is ionization potential or ionization energy. दोनों एक ही चीज होती है. एंड हमने ये भी देखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी में मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर वेरिएशन किस तरह से होता है. हमने ये भी देखा था कि यूजुअली अलोंग अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. बट यहां पे जो ट्रेंड है ना इसके अंदर वेरिएशन आते हैं, एक्सेप्शन आते हैं. और एक्सेप्शन के लिए हमने तीन रीजन देखे थे. एक रीजन वो था कि यूजुअली क्या होता है कि एस ब्लॉक में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है. तो एस ब्लॉक से जब जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो यूजुअली आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है. पी ब्लॉक के केस में क्या, पी ब्लॉक डी एंड एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से थोड़े थोड़े दूर चले जाते हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना रिलेटिवली सिंपल होता है. ओके, देन द सेकेंड रीजन जो हम लोगों ने देखा था वो ये था कि हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड स्टेट हो तो उस स्टेट को ब्रेक करना या उस स्टेट को डिस्ट्रॉय करना या चेंज करना बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड द थर्ड वेरिएशन जो आता है वो आता है बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग, राइट. हमने ये कहा है कि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर एट स्क्रीनिंग, तो उसके वजह से थर्ड एक्सेप्शन आता है. सो लेट्स ट्राई टू लुक एट दिस नाउ. सो आइडियली आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि लेट्स से इफ यू हैव, ओके, मान लो सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड के अंदर यू हैव लिथियम. फिर तो आइडियली ये आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसी होनी चाहिए ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, करेक्ट. एंड फाइनली यू शुड हैव आर्गन. आर्गन नहीं, नहीं हो, ओके. बट अच्छा, आप कन्फिग्रेशन अगर जो आप देखते जाओ तो लिथियम का कन्फिग्रेशन होता है 2s1, दिस इज 2s2, दिस इज 2p1, दिस इज 2p2, दिस इज 2p3, विच इज दिस 2p4, 2p5 एंड 2p6. ये एक्सपेक्टेड है ना कि आपका जो कन्फिग्रेशन हो, मतलब आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ आयोनाइजेशन एनर्जी शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग. बट एक्चुअल में अगर जो आप चीजें कंपेयर करोगे, आप एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करोगे ना, तो व्हाट यू रियलाइज इज कि इस तरह से ये वेरिएशन नहीं आता. देयर आर टू एक्सेप्शंस दैट वी कम अक्रॉस व्हेन वी गो अहेड. ओके, सो पहला जो एक्सेप्शन है दैट वी कम अक्रॉस इज दिस. सी, बेरिलियम में से आपको जो इलेक्ट्रॉन निकालना है दैट इज फ्रॉम 2s ऑर्बिटल. एंड बोरॉन के केस में जो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है दैट इज फ्रॉम 2p ऑर्बिटल. नाउ 2p ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होता है, थोड़ा सा दूर होता है, तो इसलिए क्या होता है कि 2p में से इलेक्ट्रॉन रिलेटिव निकालना रिलेटिवली सिंपल हो जाता है, रिलेटिवली सिंपल हो जाता है. तो आपका ये जो ट्रेंड है ना वो इस तरह से होता है. सो बोरॉन के केस में द एनर्जी रिक्वायर्ड इज रिलेटिवली दिस. तो आपका एक्चुअल ग्राफ ऐसा होगा, ये ऐसे बोरॉन के केस में ये नीचे आएगा थोड़ा सा एंड देन फिर अगेन इट विल गो टू कार्बन. ओके, ये ट्रेंड. सो द फर्स्ट एक्सेप्शन दैट वी फाइंड इज इन द केस ऑफ बोरॉन और इन यूजुअली इन द केस ऑफ बोरॉन ग्रुप. सेकेंड एक्सेप्शन अब आपको कहां पे आएगा. सी, अब आप नाइट्रोजन देखो तो नाइट्रोजन का जो कन्फिग्रेशन होता है दैट इज 2s2 2p3. 2p3 मतलब ये हाफ फिल्ड स्टेट है. अब हमें यह पता है कि हाफ फिल्ड स्टेट एंड फुल्ली फिल्ड स्टेट ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है. तो नाइट्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि लूज कर देता है तो ये हो जाएगा 2p2 विच इज नॉट हाफ फिल्ड ना, वो अपनी हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी खो देगा. सो दैट इज वाई नाइट्रोजन के केस में द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज सिग्निफिकेंटली हाई, काफी ज्यादा होती है. तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि नाइट्रोजन के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी होनी चाहिए, बट एक्चुअल में आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. फिर ऑक्सीजन से जो नॉर्मल ट्रेंड है वो नॉर्मल ट्रेंड स्टार्ट होता है. और नियॉन ऑब्वियसली बिकॉज नियॉन हैज अ फुल्ली फिल्ड स्टेट, फुल्ली फिल्ड स्टेट तो ये तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है. तो नियॉन के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये बहुत ज्यादा होती है. सो आप देख रहे हो, मतलब एक एक्सेप्शन जो आपको दिखेगा वो हमेशा नाइट्रोजन ग्रुप के अंदर दिखेगा और दूसरा एक्सेप्शन जो आपको दिखेगा वो हमेशा बोरॉन ग्रुप के अंदर दिखेगा. सो बोरॉन ग्रुप के केस में क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन एक्सपेक्टेड. सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन ग्रुप बेरिलियम से जो ज्यादा होनी चाहिए वो बेरिलियम ग्रुप के कंपेरिजन में बोरॉन ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है. ओके,
And similarly, when you compare nitrogen group and oxygen group, so ideally when we go from left to right, ionization energy should increase. But because nitrogen group has a half-filled state, nitrogen ki energy bahut zyada hoti hai. So nitrogen group ki ionization energy is in fact more than that of oxygen group. Okay. तो हमने ये देखा है कि यहां पे जो एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है, इट इज बिकॉज पी ऑर्बिटल इज फार्दर फ्रॉम एस ऑर्बिटल. एंड ये जो नाइट्रोजन के केस में एक्सेप्शन आता है बिकॉज इट हैज अ हाफ फिल्ड स्टेट. ठीक है, so I hope you have understood this. Okay, उसी तरह से when we go down the group, हम लोग जब group में नीचे जाते हैं तो ideally ionization energy should decrease. Okay, so if you see, आप compare करोगे boron group, तो boron की जो ionization energy होती है that is 801 kilojoules per mole. Okay, उसके बाद आप नीचे aluminium की ionization energy देखोगे तो it is 577 किलो जूल्स पर मोल. सो जैसे ही हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज है. अब आप एल्यूमिनियम से गैलियम पे जाओ, गैलियम से आप इंडियम पे जाओ, एंड इंडियम से आप थैलियम पे जाओ, तो यू वुड एक्सपेक्ट कि आयोनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज ना. बट आप गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी देखोगे तो इट इज 579, ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीज होने के बजाय. फिर इंडियम आता है, इंडियम के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस इसके कंपैरिजन में, ये कम हो गई. अब थैलियम पे आप जाते हैं तो वापस आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, यूनिट सब में सेम है किलो जूल्स पर मोल. सो आइडियली व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि जैसे जैसे आप बोरॉन है, मतलब आप बोरॉन से आप मान लो थैलियम है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी शुड प्रोग्रेसिवली डिक्रीज, राइट, ये इट शुड डिक्रीज. सो बोरॉन की ये होनी चाहिए, एल्यूमिनियम की ये होनी चाहिए, गैलियम की ये होनी चाहिए, इंडियम की ये होनी चाहिए, और थैलियम की इवेंचुअली सबसे कम होनी चाहिए. बट व्हाट वी फाइंड इज कि बोरॉन से एल्यूमिनियम तक का ठीक है, बट गैलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज मोर देन एक्सपेक्टेड. ओके, सो उससे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके कंपेरिजन में गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो कम होने के बजाय ये बढ़ जाती है. फिर इंडियम इज फाइन अगेन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आप इंडियम से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना थैलियम में, ग्रुप में जैसे ही नीचे जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज, बट थैलियम का आप आयोनाइजेशन एनर्जी देखो वो इससे ज्यादा है, तो इट इज अगेन, इनफैक्ट ये तो काफी ज्यादा है ना, ये ऐसा है. सो आपको यहां पे समझ में आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली बोरॉन इज मच अबव, बट आपको ये एक्सेप्शनल बिहेवियर समझ में आ रहा है. अब ये एक्सेप्शनल बिहेवियर आता कहां से है, तो हमने साइज के केस में भी देखा था, गैलियम के जस्ट पहले डी इलेक्ट्रॉन्स फिल होना, 3D इलेक्ट्रॉन्स. सो डी इलेक्ट्रॉन्स पहली बार पिक्चर में आते हैं, 3D इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फिलिंग अप, एंड हमें ये पता है दे आर पुअर एट स्क्रीनिंग. सो बिकॉज दे आर पुअर एट स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका पुअर होता है, तो साइज कम हो जाती है, इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज मोर देन एक्सपेक्टेड. ओके, फिर इंडियम के केस में भी 4D इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बट वही है ना कि गैलियम के कंपैरिजन में, गैलियम में भी 3D आ रहे हैं, इंडियम में भी डी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो इफेक्ट डी का खत्म हो रहा है, मतलब कैंसल आउट हो रहा है. यहां पे ऐसा नहीं है, एल्यूमिनियम के अंदर कोई डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट गैलियम के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन डी इलेक्ट्रॉन्स के वजह से क्या होता है, उन डी इलेक्ट्रॉन्स के वजह से गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है. उसी तरह से अगर जो आप थैलियम देखो, तो यूजुअली थैलियम के केस में, सो दिस इज योर सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, यूजुअली सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए सिक्स पीरियड एलिमेंट्स विल ऑलवेज हैव एक्सेप्शनल बिहेवियर. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. ओके, ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ सिक्स पीरियड
have exceptional behavior due to, okay, they have exceptional behavior due to the filling of 4F electrons. Okay, because ये 4F electrons are poor at screening. By the same logic, all P block elements of the fourth period, sixth period जैसे ही हुआ वैसे ही fourth period P block elements also have exceptional behavior. Elements have exceptional behavior. Due to fourth period P block elements have exceptional behavior, and this exceptional behavior is due to the filling of 3d electrons. अब यहां पे जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है ना सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू यहां का बिहेवियर. सी दो रीजंस है, एक तो ये है कि 4f इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग में और भी पुअर होता है, ओके तो वो इफेक्ट यहां पे ज्यादा दिखता है. एंड दूसरा 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, 3d के बस 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो इन चीजों की वजह से यहां पे जो एक्सेप्शनल सिक्स पीरियड के जो एलिमेंट्स है ना उनका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल होता है. उसी तरह से 5d सीरीज के जो एलिमेंट्स है ना, 5d सीरीज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सिक्स पीरियड हैव एक्सेप्शनल बिहेवियर एंड ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है ये एक्सेप्शनल बिहेवियर किसके वजह से है, सो दे हैव एक्सेप्शनल बिहेवियर ओके ड्यू टू the presence of 4f electrons. Okay. अब 7th period मतलब 6d series में उतना exceptional behavior नहीं आता क्योंकि 4f के बाद 5f भरता है, agreed. But then 4f and 5f के effects एक दूसरे मतलब आप compare करते हो तो आपको उतना वो difference दिखाई नहीं देगा. But 5d series and 4d series में बहुत ज्यादा difference दिखाई देगा behavior में because 4d के पहले कोई f इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते बट 5d के पहले f इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो इसके वजह से ये एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है. आई विल शेयर अ पेज विथ यू, आई विल शेयर फ्यू नंबर्स विथ यू ताकि आपको ये समझ में आ जाए. ओके, एक्सेप्शनल बिहेवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली s ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कोई भी एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं होता. सो नाउ इफ यू सी ओवर हियर, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है 2372 एंड सबसे ज्यादा मतलब हमें ये पता है ना लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, सॉरी तो राइट हैंड साइड की तरफ आयोनाइजेशन हमेशा एनर्जी ज्यादा होगी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कम होगी. उसमें भी आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो और कम हो जाती है. तो ये देखो सीजियम विल हैज गॉट द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड यहां पे दिस हैज गॉट द हाईएस्ट. आप इनर्ट गैस को छोड़ दो तो फ्लोरीन हैज गॉट द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. नाउ यूजुअली हमने ये देखा है कि एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. सो 520, 899, फिर बोरॉन की सडनली कम हो रही है ना 801. सो ये कम इसीलिए हो रही है, मैंने आपको रीजन बताया कि बोरॉन में से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पी में से निकलता है, इसलिए बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है. उसी तरह से फिर आप आगे जाओगे तो नाइट्रोजन है नहीं, कार्बन इज 1086 एंड फिर नाइट्रोजन इज 1403. ऑक्सीजन की इंक्रीज हो रही है, मैंने आपको दिखाया कि नाइट्रोजन आई हैव शोन यू ये ग्राफ में मैंने ये ऐसे दिखाया ना कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी इनफैक्ट ऑक्सीजन से ज्यादा होती है. मोस्टली हम लोग यही मानते हैं कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपेरिजन में नाइट्रोजन ज्यादा होती है. मोस्ट बुक्स आप देखोगे ना तो वहां पे यही चीज है. ओके, सो नाउ इफ यू सी हम लोग ये नंबर्स भी माने तो आप डिफरेंस देखो ना 801 से 1086 ये करीबन 280 का डिफरेंस है. 1086 से 1403 सी हर जगह पे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है बट इन दोनों में हार्डली कोई डिफरेंस है.
सो आई कैन से दिस राइट कि एटलीस्ट नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज मोर देन एक्सपेक्टेड एंड द रीजन फॉर इट इज बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड स्टेट. हर जगह पे आपको ये दिखाई देगा. देखो एल्यूमिनियम सिलिकॉन से इंक्रीज, मतलब यहां से देखो आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो आयोनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज, बट 496, 737 ये ठीक है. अब एल्यूमिनियम की सडनली कम हो रही है राइट. सो अगेन द रीजन इज सेम कि यहां से जो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होता है और 3p में से निकालना होता है. फिर धीरे धीरे वापस आप आगे जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. अब वापस ये रिड्यूस हो रही है ना ऑक्सीजन ग्रुप के अंदर. अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी रिड्यूस क्यों हो रही है, तो अगेन द सेम थिंग कि ये जो है फॉस्फरस जो होता है इट हैज गॉट 3p3 हाफ फिल्ड स्टेट. तो हाफ फिल्ड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है. सिमिलरली आप यहां पे देखो 947 एंड 941, तो बेसिकली ये जो एक्सेप्शंस है ना, ये एक्सेप्शंस यहां पे ग्रुप 15 के अंदर p3 कॉन्फ़िगरेशन के वजह से आता है. ओके यहां पे जो भी क्या कहते हैं, अब यहां पे भी आप देखो 737, 577, 590, 579. सो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इसके कंपैरिजन में कमी है ना. अच्छा इंडियम 558, 549 बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर स्टिल वेरी क्लोज टू ईच अदर. ओके सो यहां पे जो एक्सेप्शंस आ रहे हैं वो इसी आ रहे हैं क्योंकि यहां से जो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होता है वो एस ऑर्बिटल में से निकालना होता है विच इज डिफिकल्ट, जबकि यहां से जो आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो वो पी सबशेल से निकालते हो, पी ऑर्बिटल से निकालते हो, दैट इज रिलेटिवली सिंपल. सिमिलरली मैंने आपको कहा था कि ये जो 5d सीरीज है इसमें एक्सेप्शंस आता है. यूजुअली व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज राइट. देखो यहां पे 520, 496, 419, 403, 376, 899, 737 हर जगह पे, यहां पे 168, 1125, 1142. अब आयोडीन में ये इंक्रीज हो रही है. अब ये शायद नंबर्स में कुछ गड़बड़ है, ये शायद 1091 होना चाहिए था. ओके यहां पे अगर जो आप देखोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है 1410, 999, 941, 869 कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके यूजुअली जो प्रॉब्लम आता है वो यहां पे, मतलब डी ब्लॉक के वजह से. देखो 577 से 579, सो आयोनाइजेशन एनर्जी जो डिक्रीज होनी चाहिए थी वो इंक्रीज हो रही है. अब ये जो डी का इफेक्ट है ना ये बहुत देर तक नहीं रहता, आपको इस ग्रुप में दिखाई दे रहा है बट इस ग्रुप में कोई खास इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज है 1086 से 786, 786 से 760. यहां पे जैसे इंक्रीज हो रही थी वहां पे इंक्रीज नहीं हो रही है, वहां पे डिक्रीज हो रही है, बस जो डिक्रीज होने का मैग्नीट्यूड है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है. ओके सिमिलरली आप यहां पे देखोगे तो यहां पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है. तो ये डी का जो 3d का इफेक्ट होता है ना वो बस यूजुअली यहीं तक रहता है, ग्रुप 13 तक ही रहता है. ओके एंड थोड़ा सा ग्रुप 14 में जाता है बट उससे ज्यादा स्पिल ओवर नहीं होता. ये एफ का अगर जो आप इफेक्ट देखोगे, अच्छा अब इफ यू लुक एट योर दिस सीरीज, ये जो है आपकी 5d सीरीज है जो 6th पीरियड में आ रही है. यूजुअली व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज. ओके तो यहां पे एक तो आई डोंट ट्रस्ट द नंबर्स, यहां पे कुछ नंबर्स में हाँ. अब आप यहां पे देखो मैंगनीज से आप टेक्नीशियम पे जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है. ओके बट आप जैसे ही 4d से 5d पे जा रहे हो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है. हर जगह पे आप देखोगे ना आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आप जैसे ही यहां से यहां पे, इसी लैंथेनम के बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आता है तो लैंथेनम में आपको ये इफेक्ट नहीं दिखाई देता बट तुरंत आप जैसे हैफनियम पे जाओगे तो ये देखो जिरकोनियम पे 674 का है, हैफनियम पे 760 का है. तो इन सब केसेस में जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट आयोनाइजेशन एनर्जी हैज इंक्रीज्ड. मोरेवर इफ यू लुक एट एवरी डी सीरीज, तो हमेशा डी सीरीज का ये जो आखिरी मेंबर है दिस लास्ट मेंबर हैज सिग्निफिकेंटली हायर आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके नाउ ये जो कॉपर ग्रुप है ना, कॉपर ग्रुप की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज लेस देन एक्सपेक्टेड. नाउ लेट मी टेल यू अ रीजन व्हाई, व्हाई इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर ग्रुप लेस देन एक्सपेक्टेड. ओके सो अगर जो कॉपर ग्रुप की बात करें तो यूजुअली कॉपर ग्रुप ये जो कॉइनेज मेटल्स होते हैं, मेटल्स विच इज कॉपर
सिल्वर एंड गोल्ड. ओके, नाउ कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ये होता है ना, आर्गन 3d10 4s1. इलेक्ट्रॉन इवन दो 4s पहले भरता है और 3d बाद में भरता है, बट व्हेन वी से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा यही माना जाता है. आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मानते हो. अब जैसे कॉपर में से आप एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज Cu+1 ना. नाउ कॉपर प्लस वन अगर जो आपको मिल रहा है तो कॉपर प्लस वन का कन्फिग्रेशन क्या होगा, इट विल बी आर्गन 3d10. अब यू कैन सी दैट 3d10 इज हाईली स्टेबल, वेरी वेरी स्टेबल. तो कॉपर ग्रुप के जो सारे ऐसे ही, सिल्वर के केस में 4d10 होता है, गोल्ड के केस में 5d10 होता है, तो दे हैव रिलेटिवली हायर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिवली इजीली डोनेट कर सकते हैं. ओके, एंड इजीली क्योंकि डोनेट करने के बाद जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्टेबल. सो दैट इज वाई कॉपर ग्रुप के जो सारे मेटल्स हैं उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज लेस देन एक्सपेक्टेड. ओके, व्हेन आई से आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन एक्सपेक्टेड, इट इज बिकॉज रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज रिलेटिवली सिंपलर. इलेक्ट्रॉन्स को निकालना यह रिलेटिवली सिंपल होता है. सी जहां पे भी एक्सेप्शन आते हैं ना उनका आंसर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ही मिलने वाला है. ओके, एंड आपको हमेशा तीन चीजें ही देखनी है, वेदर इलेक्ट्रॉन निकल कहां से रहा है, SpDf कहां से निकल रहा है, या फिर कहीं पे हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड स्टेट, इनिशियल स्टेट हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वाली अगर जो स्टेट हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है. जैसे इस केस में कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो आपको स्टेट मिल रही है वो ये मिल रही है ना, विच इज वेरी स्टेबल. तो विच मीन्स रिमूविंग इलेक्ट्रॉन विल बी इजी, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन विल बी इजी, सो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस. सो व्हाट आई कैन नाउ से इज, मैं ये चीज अब यहां पे दिखता हूं, इफ इनिशियल स्टेट, इफ इनिशियल स्टेट ओके इज हाफ फिल्ड, हाफ और फुल्ली फिल्ड, देन आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई. ओके, इफ फाइनल स्टेट इज, मतलब फाइनल मतलब आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन जो आपको स्टेट मिल रही है उसको मैं फाइनल स्टेट कह रहा हूं, हाफ और फुली फिल्ड, देन आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो. क्योंकि ये हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड स्टेट अटेन करना चाहेगा वो एटम तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा. ठीक है, नाउ ये जो हम लोगों ने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, बट ये सारे जो रूल्स है, ये सारे जो एक्सेप्शनल वाले रीजन है, ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में भी लगता है. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कॉपर की बात करो तो कॉपर प्लस वन का कन्फिग्रेशन ये है. अब मान लो आपको कॉपर में से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका मीनिंग क्या है कि आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, यू वॉन्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर. नाउ यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना योरसेल्फ यू कैन थिंक ये कितना डिफिकल्ट होगा ना, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल स्टेट है. एंड हमने ये दिखा है कि when we say second ionization energy of copper it means Cu+1 था, इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला एंड कन्वर्टेड इंटू Cu+2, प्लस वन को प्लस टू में कन्वर्ट किया. प्लस वन का कन्फिग्रेशन था आर्गन 3d10 एंड प्लस टू का कन्फिग्रेशन है आर्गन 3d9. नाउ इफ यू सी ओवर हियर योर इनिशियल स्टेट इज हाफ और फुल्ली फिल्ड ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी हाई. सो इफ यू कंपेयर दिस विथ जिंक, जिंक की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी आप कंपेयर करोगे, सी यूजली हमें यह पता है ना, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज. ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बट आप सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करोगे तो कॉपर की आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिंक की रिलेटिवली कम होगी. अब हम लोग ये देखते हैं, ये देखो
In case of zinc, so zinc का प्लस वन स्टेट से हमें जिंक को प्लस टू स्टेट में लेके जाना है. नाउ जिंक प्लस वन स्टेट जो होता है, इट हैज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन 3d10 4s1. सी ओरिजिनली जिंक 4s2 होता है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो ये 4s1 हो जाएगा. एंड इसकी जो फाइनल स्टेट है दैट इज आर्गन 3d10 4s0. Now, if the final state is fully filled, जो आपकी final state है, that is fully filled, then ionization energy is low. तो zinc की second ionization energy, copper के second ionization energy के comparison में low होगी. ठीक है? So, ये example करने का point यही था, कि आपके reasoning देखो same ही लग रही है, half filled, fully filled वाली reasoning लग रही है. बस अब first ionization energy के जगह पे हम लोग second ionization energy पे लगा रहे हैं. अच्छा, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस. एक मिनट, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. मैग्नीशियम एंड सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज नियॉन 3s1. ओके, मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज नियॉन 3s2. लेट मी राइट इट, नॉट दिस वे, सॉरी, है ना, ऐसे दिखता हूं. सोडियम नियॉन 3s1 एंड मैग्नीशियम इज नियॉन 3s2. ओके, नाउ एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज. तो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसके कंपेरिजन में ज्यादा ही होगी. सो इफ यू रिमूव इलेक्ट्रॉन, यहां से आप अगर जो इलेक्ट्रॉन हटाते हो और यहां से भी आप इलेक्ट्रॉन हटाते हो तो IE1 एंड यहां पर भी जो एनर्जी लगेगी दैट विल बी IE1. ये हटाने के बाद यू आर गोइंग टू गेट नियॉन एंड यू आर गोइंग टू गेट नियॉन 3s1. ओके, सो आई कैन से दिस नंबर इज बिगर. अब जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बारी आती है, तो यहां से जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये ऑलरेडी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है ना, एनए प्लस का ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज नाउ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो यहां से अगर जो आप इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करो तो ये आपको क्या मिलेगा, नियॉन होता है 2s2 2p6, तो ये हो जाएगा 2s2 2p5. तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज IE2. आपकी IE2 जो होगी ना दैट विल बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू IE1 इन दिस केस. इस केस में IE2 विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू IE1 बिकॉज दिस इज वेरी वेरी स्टेबल. सी, मैंने आपको रूल क्या दिया था, फाइनल स्टेट इज फुली फिल्ड तो देन आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस. तो यहां से यहां पे जाने के लिए आपका जो फाइनल स्टेट है वो ये है, तो IE1 कम होनी चाहिए. यहां से यहां पे आप जाते हो तो आपका इनिशियल स्टेट फुली फिल्ड है, तो IE2 बहुत ही ज्यादा होगी. ओके, एंड स्पेशली इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो बहुत ही ज्यादा होगी. अच्छा, आप यहां से अब मैग्नीशियम से सेकेंड इलेक्ट्रॉन हटाओ, सो दिस इज Mg+. यहां से आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन हटाओ तो Mg+2 जो बनेगा इट विल हैव अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन. एंड यहां पे जो Na+2 कॉन्फ़िगरेशन बनता है उसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता. नाउ इफ यू कंपेयर, यहां से जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकालना है, एंड यहां से सेकेंड इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो तो आपको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलता है विच इज वेरी वेरी स्टेबल. तो यहां से इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना इज मोर इजियर एज कंपेयर टू रिमूविंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, राइट? सो इन दिस केस योर IE2 विल बी लेस एंड IE2 विल बी मोर. सो इसकी IE2 इससे ज्यादा होगी.
So even though we are going from left to right, your ionization energy is decreasing. But IE1 this was more and this was this. अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है. इवन दो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, बट स्टिल IE2 मैंने आपको कल बताया था, देर आर नो एक्सेप्शंस, विल ऑलवेज बी मोर देन IE1 फॉर ऑल एटम्स. यहां पे बस वो डिफरेंस बहुत ज्यादा, इट इज मच मच ग्रेटर देन IE1. यहां पे मच मच ग्रेटर नहीं होगा, बट इट इज स्टिल सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन IE1. ठीक है, तो द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस एग्जाम्पल वॉज कि जो रूल्स IE1 के लिए अप्लाई होता है वही रूल्स IE2 के लिए भी अप्लाई होता है. आप स्टेबल स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हो तो IE ज्यादा होगी. आप इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर जो स्टेबल स्टेट पे पहुंचने वाले हो तो IE जो होगी वो कम होगी. ठीक है, फाइन. आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही मिलेंगे. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑलवेज राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द ऑप्शंस एंड देन डिसाइड, फिर ही आप डिसाइड करो. ठीक है, ओके, चलो देन वी विल स्टॉप ओवर हियर. अब कल से हम लोग नई प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है, फाइन, चलो देन, बाय एवरीवन.